हाँ जी दोस्तों हेलो आवाज़ आ रही है ठीक ठाक एक बार प्लीज़ आवाज़ ठीक है सब दिख रहा है एवरीथिंग फाइन है ना एक बार कमेंट्स में लिख के बता दो है ना आई होप एवरीथिंग इज़ गुड सब ठीक सुन रहा है दिख रहा है आपको है ना अगर सब ठीक है तो प्लीज़ थम्सअप दे दो एक बार आवाज़ ठीक आ रही है, है ना तो हम शुरू करते हैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके आई थिंक एवरीथिंग इज गुड आवाज आ रही है सब ठीक चल रहा है ओके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाँ जी तो चलिए दोस्तों एच का पेपर आ गया है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी नंबर में सीट्स आई हैं और बहुत ही अच्छा ब्रेकअप ऑफ सीट्स भी आया ठीक है अब थोड़ा टाइम रह गया है अब उस चीज को सिलेबस को कवर कैसे करना है तो उसको कवर करने के लिए निम्बस अकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सिमेट्रिक स्टडी प्लान ले गया है टेन क्लासेस जो मैं कंडक्ट करूंगा, ठीक है? और उस क्लासेस में टेन क्लासेस में फास्ट फॉरवर्ड आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा ठीक है उसके बाद हिस्ट्री चलेगी ज्योग्राफी चलेगी ऐसे हर सिलेबस आपको सारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन आपको करवाया जाएगा ओके अब आपका क्या काम है ये तो हो गया हमारा काम आपका क्या काम है भाई इन क्लासेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो इनको देखो साथ साथ में कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर तो सबसे पहले चलो जी सबसे पहले एक ही चीज आज हम क्या करेंगे थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ओवरऑल हमने जो पॉलिटी का जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी उसमें हमने क्या करने की यहां पे सोची है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पॉलिटी बेसिक्स ऑफ पॉलिटी में क्या है बेसिक्स ऑफ पॉलिटी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट विल दैट कवर्स द स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटी बेसिक जो किताबें हैं हमारी जैसे लक्ष्मीकांत हो गई एनसीआरटीस हो गई वो सब चीजें यहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे उसके बाद एनालिटिकल पार्ट

आप देखोगे कि यहां ना आपको आर्टिकल्स बड़े पूछे जाते हैं ये आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है तो एवरी में हम क्या करेंगे एक क्लास हम रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रॉपरली यहां पे डिस्कस कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिर्फ पॉलिटी के है जो हमने करवाया है क्या उसमें से आएंगे उसकी हम बात करेंगे ठीक है चलो जी सो दैट वॉज इट चलिए दोस्तों अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट देखिए यहां पे बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी जो हम इन पूरी नाइन टू टेन क्लासेस में जो हम कवर करने वाले हैं ये वो पूरा सिलेबस है आज हम क्या करेंगे आज हम ये वाला करेंगे पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं भी होता है तो हम इन सबको बात करेंगे लेके फॉर एग्जाम्पल फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा अरे प्रियांबल क्या होता है ठीक है उसकी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं प्रियांबल के क्या फीचर्स हैं एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म्स जो हैं हैं डिनोट करी जाती मोरालिटी वो सब चीजें उन सब चीजों की हम यहां बात करेंगे उसके बाद फिर वही सिलेबस फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ड्यूटीज सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव फिर सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर उसके बाद जुडिशरी हो गया अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल और अर्बन दोनों उसके बाद ये सब चीजें फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है डेवल्यूशन ऑफ पावर्स क्या होता है उसके बाद इलेक्शन फ्रेमवर्क इन इंडिया बॉडीज और लास्ट में स्पेशल प्रोविजन जैसे हिंदी की स्पेशल प्रोविजन है और किसी चीज की स्पेशल प्रोविजन है उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सो तो ये एक बहुत ही बेसिक परफॉर्मा हम आपको अभी यहां पे दे रहे हैं कि बेसिक परफॉर्मा की हम इन पूरी क्लासेस में क्या डिस्कस करेंगे चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं देखो एक बहुत ना एक आराम से चीज समझो होता गया एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा लक्ष्मीकांत हमारी पूरी जो एक पॉलिटी है हमें देखो जीएस में ना पॉलिटिकल साइंस नहीं बोला जाता आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है लेकिन इंडियन पॉलिटी जो आपका सब्जेक्ट है वो जीएस में क्यों इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम प्रोसीजर्स और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है अरे भाई वो है क्या वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां पे देखो जरा ध्यान से क्या है एक ऐसी बॉडी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल बताती है किस चीज के फंडामेंटल प्रिंसिपल की भाई एक स्टेट है वो गवर्न कैसे करेंगे एक बहुत ही बढ़िया थिंकर हैं सरसोरी उनका नाम है वो बता क्या कहते हैं इट इज अ पावर मैप क्या कहते हैं पावर मैप क्या होता है पावर मैप कभी आपने सुना होगा देखा होगा ना पावर मैप क्या है एक मैप है जहां से पता लग रहा है कि पावर ग्रिड्स में पावर कहां से जा रही है तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है एक पावर हाउस है जो हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हर एक गवर्नमेंट का जो पार्ट है जो एक सिटीजन का पार्ट है उसको पावर दे रहा है ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलो जी उसके बाद एक ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क है जहां से एक इंडिविजुअल अपने गोल्स एस्पिरेशंस और फ्रीडम्स को परस्यू कर सकता है कैसे अरे भाई फंडामेंटल राइट right दिया आपको ड्यूटीज भी बता दी आपको कि अगर आपकी कोई राइट हैं तो कोई ड्यूटीज भी तो है और अगर उस ड्यूटीज को फॉलो करोगे तभी एक अच्छी और खुशहाल स्टेट बना पाओगे चलो दोस्तों आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेंस में भी आ जाता है इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट अरे भाई एक मुर्दा डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि इट इज अ डॉर्मेंट डॉक्यूमेंट जो कि साइड पे पड़ा है और उसको म्यूजियम में रखा हुआ है नहीं इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हाउ इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट ंग सिर्फ एक चीज अरे भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसको हम क्या कर सकते हैं बार बार अमेंड कर सकते हैं इसमें हम नई नई प्रोविजन को एड कर सकते हैं ठीक है जी उसके बाद इसी को इससे रिलेट करो अमेंडमेंट से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से कन्वेंशन से और सिर्टिड से इन तीन चीजों से हम क्या करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें सांस भरते हैं That is why it is a living डॉक्यूमेंट ठीक है दोस्तों चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब देखिए जरा ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया बहुत अच्छी बात है अरे उसका सिग्निफिकेंस क्या है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई पॉलिटी नहीं चल सकती वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां इसका सवाल क्या है ये एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बता रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिसीजन मेकिंग पावर्स उसी कीवर्ड को याद करो दोबारा से उसी स्लाइड में वापस जाओ और सोचो क्या बात करी थी पावर मैप की पावर रहा है कैसे और अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो मैं ही कोर्ट लगा के बैठ जाऊंगा अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जुडिशरी अलग है एग्जीक्यूटिव अलग है लेजिस्लेचर अलग है चलो जी उसके बाद

ट्यूशन की सेक्रेट डॉक्यूमेंट है मॉरल डॉक्यूमेंट है चलो क्रिएट्स रिफ्लेक्ट अकॉर्ड एन इंडियन आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल भारतीय आइडेंटिटी जितना मर्जी कह दो भाई बोरोड है ये है वो है नहीं जो इसमें चीजें हैं वो हमारे ही काम की है और अंबेडकर साहब ने बिल्कुल सही कहा था इट मे बी अड बट इट इज नॉट अड कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है अस, अ, अलग अलग जगहों से बोरो करके बनाया बट कॉपी नहीं करा कल्चर अपना डाला है ठीक है तो ये बात हो रही है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इगैलीटेरियन का, मतलब का मतलब है कि इन इक्वालिटी कम हो इन इक्वालिटी कम होने का मतलब इगैलीटेरियन होता है चलो जी अब इगैलीटेरियन सोशल ऑर्डर बनाना है उसके बाद क्या करना है हर सिटीजन को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस भी देना है

कि सोसाइटी कैसे गवर्न होगी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है उनमें बेसिक जो है कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा और लिमिट्स होनी गवर्नमेंट पे बहुत जरूरी है अगर हमारे पास लेट से हमने बोल दिया हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कितना क्या उस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए सिटीजन पे बिल्कुल होनी चाहिए और अगर उस पर लिमिट हमने लेट से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो किस लिमिट तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी क्या वो इस लिमिट तक हम उसको सरकार क्रॉस कर सकती है कि भाई हमारे फोन टैप्स कर ले बिना हमें बताए कैसा हो सकता है नहीं हो सकता ओके सो एवरीथिंग एवरीथिंग हैज बी कवर्ड हेयर तो ये बात हो रही है चलो जी चलो ये तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अब अब यहां बिना एक दो टर्म्स आ रही हैं एक हमने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दूसरी हमने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक हमने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लिखी है, please, अगर आपको इन है, तो है इन दोनों में फर्क पता है तो कमेंट्स में जरा बताइए क्या फर्क है इन दोनों में बताइए कोई बता सकता है क्या फर्क है इन दोनों में एनी बडी एनी बडी क्या फर्क है जी बताइए मैं कमेंट्स देखता हूं तब तक आपके हां जी हां जी प्लीज 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 कॉमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी सुना है वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किसको हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्लीज बताइए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज प्लीज देखो जितना पार्टिसिपेट करोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा आई एम लुकिंग इन द कमेंट्स बट अभी मेरे को ऐसा कोई कॉमेंट तो नहीं मिला है चलो 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 यस 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 ओके okay. चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम डिस्कस करते हैं चलो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है देखो इज्म जिसके आगे भी आई एस एम इज्म लग गया ना तो समझ जाओ एक वो कोई आइडियोलॉजी की बात कर रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहा है ठीक है दूसरे में हमने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी तो देखो कंटेंट आपके सामने है. समझा मैं रहा हूं सिर्फ एक लाइन में आपको समझाऊंगा डिफरेंस की होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलोसफी है एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है बाय फंडामेंटल लॉ जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज नहीं कर सकती ठीक है इट इज देयर इज अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल क्या सरकार रात को आपने कोई गुना नहीं करा क्या रात को आपके घर आके आपको उठा के जेल में डाल सकती है बताइए काफी लोग हाँ कहेंगे है ना काफी लोगों को याद आ रहा होगा अच्छा यूए भी तो है सर अरे एन भी तो है सर मैं कह रहा हूं अगर आप पे एन आई एप कुछ नहीं लगा अपनी बात करो मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं उसको उठा सकते हैं नहीं उठा सकते अगर मैं कोई स्पीच दे रहा हूं चलो लेट से आई एम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूं कंडक्ट कर रहा हूं कोई आके मेरे को बोल सकता है अरे सर आप ये गलत पढ़ा रहे हो आप तो सरकार ने बोला है आपको बैन कर देना हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता क्यों सरकार के पास लिमिटेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार की पावर को लिमिटेड करा है ये कौन सी आइडियोलॉजी कह रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इजम की आइडियोलॉजी कह रही है अब इसको डिफरेंस समझेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से Constitutional morality. Constitutional morality जो है ना वो से एक स्टेप अहेड है कैसे वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सिर्फ हम गवर्नमेंट की पावर्स को कर्ब कर रहे हैं बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसमें हमने क्या करा है सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हम क्या कह रहे हैं पूरी सोसाइटी पूरी सोसाइटी जो है यहां देखो ये लिखा हुआ है जो पूरी सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को आधर करना चाहिए मेरे पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है मान लिया कि सरकार यहां पे अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो सरकार यहां से आगे मेरे को उठा के नहीं लेके जा सकती एग्रीड टोटली एग्रीड ओके वेरी गुड बट अगर मैं यहां से खड़ा होकर फॉर एग्जाम्पल किसी एक एबीसी किसी भी रिलीजन को गालियां निकालना शुरू कर दू किसी फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कह देते हैं ना कि पेट्रियार्कल नोशन को कुछ करूं या फीमेल के फीमेल जेंडर उनके खिलाफ कुछ गलत बात कहूं फिर तो उठाना बनता नहीं है है ना तो यही बात है ऐसा अब ये क्या कह रहे हैं मोरालिटी वाले कि आपको जो मोरालिटी फॉलो करनी है ना सर वो कोई और मोरालिटी फॉलो नहीं करनी किसी रिलीजन की मोरालिटी मत फॉलो करो लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी फॉलो करो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अरे भाई आपको किसी को हर्ट नहीं करना है किसी के सेंटीमेंट को हर्ट मत करो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. है ना उनके दायरे में रह के काम करो ये किसको कह रहा है सबको कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में तो अगर मैं कहूं एक वर्ड में तो वॉट इज दिस दिस इज सेल्फ रिस्ट्रेंट किसकी बात हो रही है यहां पे यहां पे हम बात कर रहे हैं देखो जी सेल्फ रिस्ट्रेंट की

अब एक चीज देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना हिस्टोरिकल टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में भी शायद हुआ होगा आपके चलो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में SCS के या यूपीएससी के अगर आप पेपर देखोगे तो काफी ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि फैक्चुअल सवाल आते हैं ठीक है फैक्चुअल सवाल अब सोच के देखो कैसे फैक्चुअल सवालों की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अरे भाई पहली बार आइडिया किसने पुट फॉरवर्ड करा तो एक बड़े ही स्कॉलर थे कॉम्युनिस्ट स्कॉलर जिन्होंने कॉम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था एम एन रॉय साहब एम एन रॉय साहब ठीक है ही द कंटेम्परे ऑफ गांधी लाला लाजपत राय इन्होंने कहा था सबसे पहले कि इंडियंस को अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उनको खुद से बनाना होगा खुद के ही लोग बनाएंगे तो क्या लिखा हमने द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लैमली वॉज फर्स्ट फोर फॉरवर्ड बाय आइडिया ठीक है तो यहां पे बहुत ख्याल देना है आपने टर्म्स पे उसके बाद आई मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने क्या करा 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 था करा था 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 फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड डिमांड किसका अगर क्वेश्चन आता है रॉय का और अगर डिमांड बोले डिमांड किसने करा था तो हम बोलेंगे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कब करी डिमांड फर्स्ट टाइम करी अगस्त ऑफर में ठीक है जी लेकिन अगस्त ऑफर में पार्शियल डिमांड को Uh, करा गया था अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे है ना तो उसके बाद जो cabinet, mission, था, पे आपको पता कैसे जो हमारी डिमांड है, 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 है वो एंगेज इन वन माइट कॉल पब्लिक रीजन मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन डेलिबरेशन क्या होता है जो मैं क्लास ले रहा हूं ना वो डेबरेशन है मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे को कुछ आपने सवाल पूछा मेरे को नहीं बता मैं आपसे पूछूंगा अच्छा ऐसे होता है हाँ आपको ऐसे होता है मैं कहूंगा ऐसे नहीं हो सकता आपके कैसे नहीं हो सकता तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा जिस कंक्लूजन को हम ड्रॉ करेंगे बोलेंगे हाँ जी ये कंक्लूजन ठीक है मैं इस पर एग्री करता हूं वो डेलिबरेशन का कॉन्सिक्वेंस है तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन क्या है वार्तालाप करना हमारा पार्लियामेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन सरकार लेके आती है जिसको हम कह देते हैं एक पॉलिसी सरकार लेके आई एक बिल लेके आई उधर से ऑपोजिशन वाले उसको कंडेम कर रहे हैं होगा क्या अंत में जिसके भारी बहुमत होगी वो जीत जाएगा ठीक है कोई कन्विंस कर पाएगा और दोनों के आर्गुमेंट्स पब्लिक सुन रही है दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन उसके बाद ये छोटे छोटे फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे बी एन राव साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे बी आर अंबेडकर साहब चलो जी Introduction of universal adult suffrage जो होती है, 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 अब अब देखो, मैंने अभी क्या क्या दिया आपको कि हर चीज़ में क्या होता है? सरकार लाई, वो पास होना है, नहीं होना है कैसे होगा कैसे नहीं होगा तो डिस्कस होता है तो एक यूनिवर्सल्ट का मतलब क्या है एवरी एडल्ट उस टाइम पे 21 साल की बात थी, अब तो 18 हो चुका है 21 साल के ऊपर कोई भी एडल्ट सिटीजन है अब मैं एडल्ट सिटीजन कह रहा हूं मतलब मेल या फिर फीमेल कोई भी एडल्ट सिटीजन है दे हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी अदर जिसको हम कह देते हैं विदाउट एनी फॉर एग्जाम्पल जिसको हम कह देते हैं पैरामीटर्स प्रॉपर्टी है या नहीं कहां रहते हो नहीं फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है सबको एमपी के इलेक्शन में राइट टू वोट मिलेगा चलो जी उसके बाद क्या है स्कीम जो है कैबिनेट मिशन प्लान में फॉर्मुलेट करी गई थी और मेंबर्स थे लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर ठीक है इनके नाम याद रखने हैं फैक्चुअल चीजें काफी फैक्चुअल चीजें हैं इनको थोड़ा सा याद रखेंगे ठीक है दोस्तों चलिए जी आगे अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में टोटल मेंबरशिप कितनी थी हमारे पास 389 इसको याद रख लेना में स्टेट पीसीएस काफी ट्रिवियल होता है ठीक है ना जी तो चंदा जी हांजी हाँ जी हाँ जी स्टडी हाँ मटेरियल मिल जाएगा चलो मैं इस पर अपडेट दूंगा आपको जरूर दूंगा ऑल अभी हमारी मेरी सर से बात नहीं हुई है

उनमें डिवाइड करा गया था और अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनको वहां पे अकोमोडेट किया गया था यहाँ पे ये बात हो रही है उसके बाद क्या फॉर्मेट था पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी नॉमिनेट किसको करा गया प्रिंसली स्टेट्स अब जो राजा खुद है प्रिंसली स्टेट का एक राजा है, है ना राजा तो नौ... राजा जो है इलेक्ट थोड़ी हुआ है अगर आपने इलेक्ट करा हुआ तो वो राजा थोड़ी हुआ अब अगर राजा ही इलेक्टेड नहीं है तो वो इलेक्ट करके किसी रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ी भेजेगा है ना तो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ना तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाएंगे कि राजा थोड़ी इलेक्ट करके भेजेगा ओके दैट इज द थिंग उसके बाद मेंबर्स क्या थे इनडायरेक्टली इलेक्ट करना है बाय द मेंबर्स मतलब कि अब इसको हम कहते हैं डायरेक्ट जिसको कह देते है ना वो वाला इलेक्शन नहीं था कि डायरेक्टली एक जो लोग हैं वो तय कर रहे हैं नहीं उन्होंने तय करा हुआ है उन्होंने तय करा है, है उसके बाद बात करेंगे ठीक है जी चलो उसके बाद हम बात करते हैं असेंबली डज नॉट इंक्लूड महात्मा गांधी वाली है तो मैंने बात करी थी तो यहाँ पे जो बात हो रही थी तो यहाँ पे बस एक चीज समझिए कि महात्मा गांधी साहब जो है वो इसके में थे ठीक है चलो जी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है इलेवन हैं ओवर पीरियड ऑफ टू ईर्स मंथ्स और डेज़, दैट्स इट, खूब कोई कोई नहीं याद तो इसमें थोड़ा, थोड़ा सा इसको देखो कि टू ईयर्स इलेवन मंथी डेज याद करना पड़ेगा इसको चलो जी उसके बाद उसके बाद क्या बात है हाँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो फाइनल सेशन है चौबीस जनवरी फिफ्टी को हुआ उसके बाद जो है दोस्तों, ठीक है ठीक है, में है।, है अब इसको थोड़ा सा समझ के देखो कि अगर ये जो मेंस में आ चुका है ना क्वेश्चन तो इसको प्री में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कभी भी एनालिसिस कर लेना चाहे यूपीएससी का चाहे पीसीएस का तभी हमने ये आपको डाला है तो पहले वर्किंग क्या थी पहली मीटिंग कब हुई जी 9 दिसंबर 46 को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करी उसके बाद क्या हुआ जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा आपने सुना होगा ना प्रोटेम स्पीकर करके एक होता है प्रोटेम स्पीकर कौन है अरे भाई जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट होगा एल्डेस्ट मेंबर होगा पार्लियामेंट का या एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना देंगे तो ये वाले वो साहब थे उसके बाद प्रसाद उनको इलेक्ट करा गया बाद में उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट टू थे और जी। तो ये सब थे जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट स्टेड अवे फ्रॉम दूट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइन कुछ नहीं है ये नॉर्मल स्टोरी की बात हो रही है ठीक है तो अब देखो ये सब डेटा जो हमने आपको दिया है ना इसमें सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करो सिर्फ एक चीज समझो प्री में क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक तो है प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे आएगा अरे भाई ये बता दो दो वाइस प्रेसिडेंट कौन से थे दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है मुस्लिम लीग वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रॉम द स्टार्ट वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बताइए क्या होगी वो स्टेटमेंट वो ठीक होगी गलत होगी गलत होगी बिल्कुल सही है गलत होगी तो वो स्टेटमेंट आपकी टोटली totally गलत हो जाएगी तो बस यही समझना है कोई भी चीज जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना आपको आपको सिर्फ उसका यूटिलिटेरियन परस्पेक्टिव देखना है कि अरे भाई वो जो चीज है मैं कैसे यूज कर सकता हूं एग्जाम में कैसे मेरे यूज आ सकती है दैट इज इट चलिए दोस्तों उसके बाद मेजर कमेटीज ऑफ द कॉन्स्ट असेंबली इस इसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता होता है यहाँ पे देखो सिर्फ दो कमेटीज में बच्चा फंसता है यहाँ पे ठीक है खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जितने भी बच्चों ने जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने टेस्ट दिया, वो सब यहां पे गलती करते थे एक तो ये ये प्रोविंशियल कमेटी कमेटी। हो गया, उसके बाद वाली कमेटी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है आप देखो कि नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स के लिए कौन फेमस है बताइए जरा हाँ जी कमेंट्स करके एक बार बता दीजिए कि जो नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स है जिनकी बहुत बड़ी प्रतिमा अभी गुजरात में बनाई गई है ठीक है उनका सबसे सबसे बड़ा उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने नेगोशिएशन करा स्टेट्स के साथ काफी सारी मोर देन 500 हंड्रेड प्रिंसली स्टेट्स थी और सब कह रहे थे कि हमने इंडिया में नहीं ज्वाइन करना है ऐसी बात हो रही थी लेकिन ही वॉज द पर्सन सोली जिन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक जो भी मेथड था उनसे कन्विंस करा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा आप तो इंडिया में आओगे प्लीज नाम बताइए उनका किन की बात हो रही है यहाँ पे किन की बात हो रही है कौन थे सबसे आगे जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कंसोलिडेट करा किसकी बात हो रही है बताइए बताइए हाँ जी, हाँ जी हाँ जी एनीथिंग एनीथिंग किन की बात हो रही है प्लीज़ प्लीज प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए किन की बात हो रही है मैं एक मिनट देता हूँ उसके बाद फिर मैं खुद बता दूंगा किसकी बात हो रही है बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई उनकी गुजरात में और ये बोला गया कि स्टेट्स या पर्सनली स्टेट से नेगोशिएट करने में उनका सबसे बड़ा हाथ था कौन थे याद नहीं आ रहा नहीं याद आ रहा सरदार पटेल साहब याद है सरदार पटेल साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही वॉज द पर्सन ही वॉज द पर्सन इन चीफ जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि आप सब प्रिंसली स्टेट से बात करो फॉर एग्जाम्पल जूनागढ़ की रियासत के बारे में आपने सुना होगा ये जो हैदराबाद की रियासत है उसके बारे में आपने सुना होगा कि कैसे ये तो पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे थे और बाय हुक बाय क्रुक इनको यहाँ पे लाया गया सो so ये सब बातें सरदार पटेल कर रहे थे लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है स्टेट्स कमेटी जो विद स्टेट्स है उसके सरदार पटेल साहब नहीं थे हमेशा याद रखना है कि हमेशा जब नाम आता है कि स्टेट्स कमेटी नेगोशिएशन विद स्टेट्स किसने करा है, तो सबसे ऊंचा स्टेचर किसका है सरदार पटेल साहब का लेकिन उस कमेटी के इंचार्ज नेहरू साहब थे अब आ जाओ प्रोविंशियल कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके इंचार्ज सरदार पटेल साहब थे ना कि स्टेट्स कमेटी के सो देखो आप हमेशा जब भी कुछ बुक पढ़नी है कुछ भी पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़नी है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है और यहां से क्वेश्चन इसी ही तरीके से आ सकता है ठीक है सो प्लीज इस को तो ध्यान से सुनना है बाकी कमेटीज कुछ नहीं है बाकी तो आप रटा अच्छी तरह से मार सकते हो इन दो चीजों में बस कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है दोस्तों चलिए जी नेक्स्ट अब माइनर कमेटीज की बात कर लेते हैं कुछ नहीं पता HCS का कुछ नहीं पता यूपीएससी का कई बार यहां यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकती है 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 ठीक तो यहां पे आपने कुछ नहीं करना है, एक बार इनको रीड कर लेना है ठीक है जो नॉर्मली यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आ चुका है मैं आपको वो बता देता हूं एक तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के बारे में पूछ चुके हैं उसके बाद से लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के बारे में पूछा है ठीक है जी उसके बाद स्पेशल कमेटी टू एग्जाम द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा है उसके बाद एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा हुआ है तो अगर मैं कहूं कि इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको याद कर लीजिए उसके बाद तो तो मतलब करना तो सबको याद है बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंस ठीक है जी चलो इसको देख लेना एक बार प्लीज चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों वट वर द फीचर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी फीचर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ये भी पूछा जा सकता है चलो तो फीचर्स में क्या आता है जब किसी के फीचर्स आपसे पूछे जाए क्या बताओगे अरे यार कितने मेंबर्स थे है ना कितने मेंबर्स थे कैसे उन्होंने वर्क करा क्या प्रोसीजर था तो यही हम बात करेंगे क्या थे अमंग ऑल द कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट और पेविटर यही थी ठीक है 29 अगस्त 1947 को इसको संगठित करा गया था उसके बाद मेंबर कौन कौन थे देखिए सात मेंबर्स हैं इसको भी याद रखना है देर वर ओनली सेवन मेंबर्स ऑफ दिस

हिंदुस्तानी लोग हैं ना उनको आठ मंथ्स का टाइम मतलब एट मंथ्स का टाइम दिया गया था अब देखो अभी ना आप याद करो कभी भी अगर कोई भी बिल बनता है जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली अगर हम इसको रिलेट करें ना इसको समझ के देखो राइट टू प्राइवेसी सॉरी 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 राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी में अभी आपने देखा होगा जजमेंट था है ना जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी है वो तो एक बड़ा अभिन्न अंग है फंडामेंटल राइट right है बड़ी अच्छी बात है जी अब इसके लिए लॉ बनाने की बात करी गई थी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बना तो जब वो एक्ट बना उसके बाद कुछ महीनों के लिए उसको पब्लिक में रखा गया था और ये बोला गया था ये जो एक्ट बन रहा है कोई भी खामियां हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स है तो आप हमें बताइए। बात हुई थी। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन उसके, उसके, उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ओनली फॉर वन फोर्टी वन डेज के लिए बैठी थीट इज है जी तो ये हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी की चलो जी उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आपने नाम सुना होगा इसने कुछ चीजें ना अमेंड करा था इसने असेंबली में तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इसने क्या कर दिया फुली सॉवरन बॉडी बना दिया तो अब मैं आप सोचोगे कि यार ये सिर्फ और सिर्फ 1947 एक्ट की क्यों बात कर रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली एक्ट है

चाइना हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि यूएस के साथ आपने फॉर एग्जाम्पल रशिया के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं उनसे आप तेल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता इंटरनल सोवरिटी अरे भाई इंडिया की जो टेरिटरी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो वो कौन कर सकता है कौन ही करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी दे आर द सोवरेंस ठीक है जी चलिए उसके बाद क्या बात हो रही है टू सेपरेट फंक्शंस असाइन कर दी गई है क्या परफॉर्म ऑन सेपरेट डेज उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी जिसके जो चेयर थे सॉरी जीवी मलवानकर साहब थे ठीक है जी तो इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हेड बना दिया गया उसके बाद जो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया था डोमिनियन लेजिस्लेचर था इसको ध्यान रखना है डोमिनिय मतलब कि अभी हम ब्रिटिश इंडिया के डोमिनियन थे अभी हम ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे ब्रिटेन की डोमिनियन थी हम फुली आजाद नहीं हुए थे तब हमारा पहला पार्लियामेंट लगा था उसके बाद आफ्टर ऑफ मुस्लिम लीग जो टू uh, 299 पहुंच गई थी as against 389. ठीक है जी? ये बात हमने करनी है तो प्लीज इसको जरा ध्यान से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे ठीक है दोस्तों चलो जी फंक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अच्छा डायलॉग हमारे होम मिनिस्टर साहब का याद आता है आप क्रोनोलॉजी समझिए यहां पे कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज समझनी है क्रोनोलॉजी और कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ऐसे क्रोनोलॉजी समझो यहाँ पे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ दैट इज इट ठीक है जी दैट इज इट इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी की बात हो रही है ठीक है कि सबसे पहले क्या हुआ जी सबसे पहले क्या हो गया द नेशनल फ्लैग सॉरी उससे पहले क्या हुआ रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ठीक है ओके सॉरी 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 यही हुआ था मैं पहले सही बोल रहा था देखो ये है ना हाँ तो वहां से लाइट रिफ्लेक्शन को दिखा नहीं, है मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ हम लेते हैं उसके बाद क्या हो रहा है हम नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और लास्टली हमने क्या करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया इस चीज को समझने के लिए सिर्फ आपको डेट्स याद नहीं रखनी क्रोनोलॉजी याद रखनी है सबसे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ इसको याद करके सिर्फ सबसे पहले एक तरीका याद करने का यही है कि देखो जी सबसे पहले झंडा फहराया गया सबसे पहले झंडा फहराया गया झंडा फहराने के बाद हमने कहा ठीक है अब हम आजाद तो हो ही गए हैं लेकिन जो साथ में कंट्रीज आजाद हुई हैं कॉमनवेल्थ जो हमारे साथ ब्रिटिश इंडिया से कंट्री आजाद हुई हैं अरे हम उनके साथ भी रिलेशन हमें रखना चाहिए उसके बाद हमने क्या कहा अरे भाई रिलेशन रख रहे हैं फॉर एग्जांपल उनसे मिलने जाना है हमने जब उनसे मिलने जा रहे हैं तो हम नेशनल एंथम पे तो अपने ऐसे खड़े होंगे नेशनल सॉन्ग तो अपना गाएंगे फिर हमने नेशनल एंथम और सॉन्ग बनाया उसके बाद जब हमने सोचा अरे मिलने जा रहे हैं मिलने जाएगा कौन जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंट को हमने करा ठीक है तो ये छोटी सी स्टोरी एक मैंने अपने आप को बताई थी जब मैं तैयारी करता था तो एक छोटी सी स्टोरीज अपने आप को मैंने याद करने के लिए बनाई थी ठीक है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चलिए दोस्तों ठीक है जी चलो उसके बाद चलो दोस्तों उसके बाद अब हम यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं

क्या वो फुली फ्लेक्सिबल है नहीं तो क्या है इट इज ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब है रिजिड का मतलब है अरे भाई रिजिड चीज बड़ी सख्त चीज है जो चेंज ही नहीं हो रही ठीक है तो यहाँ पे रिजिड का मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन एनी मैनर कैसे हो सकता है एक एग्जाम्पल आर्टिकल थ्री कोई अमेंडमेंट करनी है जो भाई पूरे आपको कह लो कि पॉलिटी को इफेक्ट कर रही है उसमें स्टेट से भी आपको पूछना पड़ेगा ना तो वो क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा रहा है उसके बाद फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है सिर्फ एक बात का ख्याल रखो अगर 368 में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो बाकी हमें अमेंडमेंट्स हम नॉर्मल या सिंपल मेजोरिटी के साथ भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यूटी का बनाना फॉर एग्जाम्पल न्यू स्टेट का बनाना फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप में कोई अमेंडमेंट हर चीज चीज हम किस चीज़ से कर सकते हैं नॉर्मली सिंपल तो से तो वो दिखा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है उसके बाद सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रेमेसी बिल्कुल ठीक बात है हमारे यहाँ पे अगर बोलोगे जुडिशियल सुप्रेमेसी है तो भी गलत हो जाएगा अगर हम बोलेंगे सिर्फ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ये भी गलत हो जाएगा तो क्या है हमारे यहाँ पे सिंथेसिस है दोनों का एक हमारे नहीं चल रहा है अब अगर यहां पे सवाल आ जाता है चलो एक बात बताओ मेरे को ठीक है सब कमेंट करके बताएंगे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इंडिया में नहीं है ठीक है ब्रिटेन में में है है, है मान गए बड़ी अच्छी बात है, है ना इंडिया में क्यों नहीं है पार्लियामेंट तो हर चीज पे लॉ बना रहा है पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल पाता है तो अगर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है इंडिया में तो कौन सी सोवरेनिटी है इंडिया में ये आपसे सवाल है विच सोवरेनिटी विच टी क्या कहेंगे हम इंडिया को अगर हम ब्रिटेन को पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कह देते हैं तो भाई जब हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की तो वो कौन सी सोवरेनिटी है बताइए किस सोवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं कौन सी सोवरेनिटी है जी बताइए बताइए हाँ जी दोस्तों एनी आइडिया इंडिया में हम कौन सी सोवरेनिटी की बात करते हैं जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो विथ सोवरेनिटी आर वी टॉकिंग अबाउट क्या लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है जी तो ठीक है जी यहां पे क्या बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी तो सिर्फ एक बात समझ के देखो कि अगर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ब्रिटेन में है तो इंडिया में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है चलो उसके बाद क्या हमारे फेडरलिज्म है प्रॉपर नहीं हमारे क्या है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी हमारे यहाँ पे दोनों के के फीचर्स हैं फेडरलिज्म भी फीचर्स हैं और हमारे यहाँ पे यूनिटरी मेथड के भी फीचर्स हैं उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं सेक्युलर स्टेट हम हैं कब कहां पे लिखा है प्रियम्बल में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से इसको एड करा गया था ठीक है दोस्तों यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट या 61st Act, गांधी के आ, उसके जो हाँ उन्होंने उन्होंने जो करी थी उसमें था कि नहीं अब अठारह साल का जो कोई भी मेल या फीमेल है इनरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर क्वालिफिकेशन वो क्या कर सकते हैं वोट कर सकते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यूपीएससी में क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है सिंगल सिटीजनशिप क्या इंडिया में डुबल सिटीजनशिप है तो नो इंडिया में ओनली सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है ठीक है दोस्तों चलिए जी आगे बात करते हैं सिलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी है जी हमारे पास उसके बाद सोशो इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी अब देखो यूपीएससी का ना बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है यूपीएससी बड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछती होती है कि देखो जी पॉलिटिकल जस्टिस कहां मिल रहा है हमें कोई तो बता सकता है कमेंट्स में कि पॉलिटिकल जस्टिस हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा देखने को मिलता है एनीबडी पॉलिटिकल जस्टिस ये देखो पॉलिटिकल जस्टिस कहां देखने को मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स में और अगर हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की तो अरे भाई वो कहां देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है बीपीएसपी में ठीक है फर्क है बिल्कुल तो वो डीपीएसपी में मिल रहा है वो हमें मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स में चलो जी उसके बाद ए यूनिक ब्लेंड ऑफ जस्टिसबल एंड नॉन जस्टिसबल राइट है किसने कहा था सप्रू कमेटी ने उसके बाद इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है चलो जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है बहुत पता ये टर्म्स और कीवर्ड्स मैंने क्यों फोकस करा क्योंकि हम पॉलिटी में क्या करते हैं ना टर्म्स समझ नहीं पाते और क्वेश्चन गलत कराते हैं तो प्लीज समझ के देखो कि इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में दखल नहीं देगा और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे नीचे कोर्ट है तो उसमें हाई कोर्ट दखल नहीं देगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी ठीक है हर जुडिशरी अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है ऐसा कहां पर प्रैक्टिस होता है ऐसा अमेरिका में प्रैक्टिस होता है अमेरिका में जो जुडिशरी है अगर हाई कोर्ट का फैसला है उसको आप अपील कर सकते हो सर हो जागे दैट इज इट लेकिन अब आपने देखा होगा राइट रिट्स हैं हमारे पास सरशोरी मैंडमस कोवरंतो उससे क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है और हाई किस किसको ऑर्डर दे सकता है लोअर कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को ठीक है तो यहां पे ये समझने की बात है कि हमारे यहां पे, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो जुडिशरी होती है जो जुडिशरी लेवल्स हैरार फॉलो करती है आपको पता है ना अच्छा ट्रायल कोर्ट में हमारे आ, हक में फैसला नहीं आया हाई कोर्ट चलो हाई कोर्ट में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट चलो बाय राइट यू कैन गो देयर अंडर सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड एंड अंडर राइट जा सकते हो अगर आपका ग्रीवियन सी नहीं हुआ सब्जेक्ट टू सटन कंडीशन तो ये क्या है इंटीग्रेटेड जुडिशरी ठीक है और दूसरा फैक्टर क्या है इंटीग्रेटेड का अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट दे रहा है तो वो हाई कोर्ट को माननी पड़ेगी हाई कोर्ट को जजमेंट दे रहा है तो उसकी जितनी जुरिस्टिक्शन है उसमें जो लोअर कोर्ट है उनको माननी पड़ेगी ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात हो रही है काफी सारी बॉडीज की बात करी है उसके बाद थर्ड ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है यहां पे पंचायत रूरल एरियाज में और म्यूनिसपालिटी कहाँ पे है अर्बन एरियाज में दैट इज इट ठीक है दोस्तों चलो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या था सबसे पहली तो यह बात करते हैं कि देखो जी ये तो बड़ी ही ना, है ना नॉन रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पोजिशन है नॉन नॉन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव मतलब का क्या मतलब हुआ अरे भाई मुस्लिम लीग ने जो बॉयकआउट कर दिया तो उन्होंने कहा कि देखो जी जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहते हैं वो तो एक ही कैटेगरी के थे एक ही रिलीजन को बिलोंग करते थे है ना ऐसा सा कुछ क्रिटिसिज्म है उसके बाद कांग्रेस ने डोमिनेट करा था अब ऑब्वियसली अब देखा जाए तो डोमिनेट ने कांग्रेस करा दैट इज अ फैक्ट बट उसने खुद ही बॉय आउट कर दिया तो हम क्या बात कर सकते हैं ठीक है चलो दोस्तों आगे चलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अनडियन है और स्लेविश इमिटेशन है मतलब हमने कॉपी बेस कर दिया है टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है फाइनल ड्राफ्टिंग को तो हमने क्या लगा दिया है तीन साल लगा दिए हमने बनाने में अब कंपेयर करो नेपाल से अरे भाई उन्होंने तो पचास पचास साल लगा दिए आज तक बन ही जा रहा है ठीक है तो उनसे तो हम बेटर रह गए तीन साल में बन गया उसके बाद कहते जी एक तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ठीक है बड़ी अच्छी बात है एलिफेंट टाइम साइज बना दिया बहुत ही बड़ा बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज बना दी लॉयर्स का पैराडाइज है हमारे जैसे लॉयर्स है उनका पैराडाइज है एक बात बताओ कोई एक डॉक्टर की किताब फॉर एग्जाम्पल कोई सर्जरी की किताब है क्या आप उसको पढ़ पाओगे नॉर्मल आदमी पढ़ पाएगा नहीं वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि आप लीगल कोई बेयर एक्ट जिसको हम कहते हैं उसको पढ़ोग पढ़ पाओगे नहीं अरे भाई तो जिसका काम उसी को साझे अगर ये फिलॉसफी है तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही लॉयर्स ने था ना जो लीगल माइंड है वही तो बनाता लीगल डॉक्यूमेंट और अगर आपसे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जा रहा तो भाई लॉ कर लो पढ़ लो लो ठीक है बट हां ये क्रिटिसिज्म जायज़ है कि देखो जी हर चीज कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए जो कि नहीं भी है ठीक है मान गए फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे ड्यूटीज पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगी दैट इज इट उसके अलावा अगर आपको समझोगे तो यू ऑल्सो हैव टू टेक हेल्प ऑफ अ लॉयर ठीक है चलो जी उसके बाद अन गांधी नेचर है गांधी जी कहते थे स्टेटलेस सोसाइटी करो ज्यादा फोकस पी आर पे करो तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज नहीं थे उसके बाद कॉम्युनिस्ट अपोजिशन करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ठीक है इनको तो प्रॉब्लम है ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ये कहते हैं स्टेटलेस ठीक है उसके बाद नाइनटीन एक्ट जो है ना वो कहते हैं उससे काफी इन्फ्लुएंस है तो वो कहते कह हैं इसकी तो कार्बन कॉपी बना दिया और वो ब्रिटिशर्स ने दी थी इसलिए वो ठीक नहीं है हमारे लिए तो ये बात करी उन्होंने ठीक है चलो जी अब देखो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बहुत आर्टिकल्स हैं ठीक है ना अराउंड 400 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सब इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए है ना और ना ही हम सब आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं बट यूपीएससी भी तो चला गया ना वो पूछता ही नहीं है उनको पता है कि आप याद नहीं कर सकते पूछोगे नहीं तो यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है तो ध्यान से देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या आ रहा है फर्स्ट शेड्यूल में कुछ नहीं है नाम जितनी स्टेट है उसके बाद एम्यूलमेंट मतलब सैलरीज अलाउंसेस ठीक है ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल uh, पोस्ट है उनके सैलरीज अलाउंसेस उनकी बात हम यहां पे करेंगे फिर अफर्मेशन एंड ओथ्स

वो सब बातें हमारी शेड्यूल सेवन में हो रही है चलिए जी उसके बाद एट्थ आ गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात हो रही है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ठीक है ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस है नाइन्थ जो था अच्छा यहां तक जो है ये जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है यहां तक जो है दीज आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी नाइन्थ के बाद जो ये सब एड हुए हैं फर्स्ट अमेंडमेंट से हुए है। तो जो करता है वो 52nd से हुआ है। फिर इलेवेंटी थर्ड से और फिर ट्वेल्थ जो है सेवेंटी फोर्थ से टेंथ में हम डिफेक्शन की बात करते हैं और इलेवेंथ और ट्वेल्थ में पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज की हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों अब बहुत ही फेमस मतलब जब मैं तैयारी करता था तब भी यही निमोनिक से हम याद करते थे इन सबको अब भी मैं इसी को ही आपको बताऊंगा कि इसी से याद सकता देखो जी क्या कैसे याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की बूढ़ा प्रधानमंत्री रो रहा है ठीक है तो इससे याद रखेंगे तो कैसे टी से टेरिटरीज ई ईयर्स में आता है ना टीयर्स ई e में ए आर राज्यसभा एस से ये ऐसे करके सबकी जो स्टार्टिंग वाली फॉर्म है उससे आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है एच so में और जो बाकी सारे स्टेट एग्जाम्स हैं, उनमें ऐसी ट्रिवियल चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे इन सब शेड्यूल्स में, में किस चीज की बात करी गई है तो चलो देखते हैं जी फर्स्ट शेड्यूल में क्या है नेम ऑफ स्टेट एंड टेरेटरीज अब नेम ऑफ स्टेट एंड टेरेटरीज में एक चीज तरफ ख्याल रखो यूपीएससी में क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ जाता है इफ अ स्टेट क्वेश्चन आता है इफ अ स्टेट इज क्रिएटेड इफ अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड इट विल इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें आपको एक ऑप्शन दे रखी है शेड्यूल वन क्या इसको अमेंड करना पड़ेगा हमें ये सवाल है तो यस और नो में कमेंट्स में प्लीज बताइए अगर हम एक स्टेट को न्यू बनाते हैं फॉर एग्जांपल अभी तेलंगाना इलेक्शंस हुए हैं है ना कल ही रिजल्ट आया उनका तो तेलंगाना की बात कर लेते हैं 2014 में न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना की फॉर्मेशन होती है जब तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो जो फॉर्मेशन है क्या उसका इंपैक्ट यहां पे पड़ेगा कहीं पे शेड्यूल वन जो है क्या वो अमेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा क्या कहते हो सिंपल मेजोरिटी से हो गया हाँ जी ठीक है सिंपल मेजोरिटी से हो गया बिल्कुल सही बात है लेकिन मैं ये कह रहा हूं सिंपल मेजोरिटी से हुआ अमेंडमेंट तो हुई है ना क्या उस अमेंडमेंट का असर यहां है शेड्यूल वन में दैट इज माई क्वेश्चन क्या कहते हो बताइए क्या शेड्यूल वन में है इसका असर बता सकते हो कमेंट्स में येस और नो करके बता दीजिए प्लीज येस और नो करके बता दीजिए क्या स्टेट हम नहीं बनाते हैं स्टेट को फॉर्म करते हैं नो, ओके ओके ओके, और कुछ और कुछ और कोई एनी बडी एल्स कोई और हाजी कोमल वंशिका जी दीविल राठौड़ जी नो नो नीड फॉर अमेंडमेंट ओके 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 ठीक है जी तो क्वेश्चन दो फोल्ड हो चुका है अब एक बात सुनो जरा ध्यान से देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में सर अगर आप कॉमा भी डाल रहे हो ना अगर आप एक फुल स्टॉप भी डाल रहे हो दैट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट दैट इज ऑल्सो एन अमेंडमेंट प्लीज ध्यान रख लो इस बात का प्रॉब्लम क्या आती है प्रॉब्लम क्या है अंडर आर्टिकल 368 अंडर आर्टिकल 368 सिंपल मेजोरिटी की नहीं बात हो रही वहां पे अमेंडमेंट्स उन अमेंडमेंट्स की बात हो रही है जो स्पेशल मेजोरिटी से होंगी या फिर स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से होंगे जब हम शेड्यूल वन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है अरे भाई नेम्स ऑफ स्टेट्स अगर न्यू स्टेट बन रही है तेलंगाना नाम से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको शेड्यूल वन में एक न्यू स्टेट का नेम डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा ना? क्या कहते हुँ? डालना पड़ेगा तो अगर मैं उस शेड्यूल में एक न्यू चीज को ऐड कर रहा हूं दैट इज एन अमेंडमेंट फर्क क्या है आपको कई बार हो जाता है हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होते सो लेट मी टेल यू दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है अंडर आर्टिकल 360, 368 के अंडर नहीं हम अमेंड करेंगे स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड नहीं करना हमने 368 किससे डील कर रहा है 368 इज ओनली डीलिंग विद रिलेटिंग टू स्पेशल मेजॉरिटी बट यहां पे सिंपल मेजॉरिटी से भी तो अमेंडमेंट हो रही है सो so अगर ये क्वेश्चन आता है अगर तो क्वेश्चन में ये लाइन आ जाती है कि विल दिस बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 तो आपका जवाब सही होता जो चंदा जी ने और देवल जी ने दिया है नो no. वो सही होता जवाब बट मेरा सवाल क्या था पूछा था कि विल दिस बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट थ्री सिक्स की बात नहीं करी ठीक है तो इस चीज का जरूर ख्याल रखना है यहाँ पे कि अगर आप एक फुल स्टॉप कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी लगा रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो हर चीज अमेंडमेंट ही कहलाई जाती है अंडर आर्टिकल 368 हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो ये बिल्कुल अमेंडमेंट कहलाएगी और शेड्यूल वन में जब आप न्यू स्टेट का नाम डालोगे तो शेड्यूल वन को आपको अमेंड करना पड़ेगा दैट्स इट ठीक है दोस्तों चलिए फिर बात करते हैं शेड्यूल सेकेंड की इसमें क्या बात है थी? किस किस के प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और असेंबली चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ठीक है उसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड सी इन सबको प्लीज अच्छी तरह रट लो किन किन की बात हो रही है यूपीएससी में एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था फॉर एग्जाम्पल यहां पे उन्होंने अटोर्नी जनरल दे दिया कि क्या अटोर्नी जनरल के एम्यूलमेंट शेड्यूल टू में लिखे हुए हैं तो आंसर क्या था नो no, नहीं लिखे हुए तो ये जिन जिन के भी माइन्यूटली बात करी गई है इनको भी आपने ध्यान से रखना ठीक है दोस्तों चलिए शेड्यूल थ्री में ओथ और अफर्मेशन की बात हो रही है ठीक है जी ओथ और अफर्मेशन उसके बाद शेड्यूल फोर में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा उसके बाद शेड्यूल फाइव में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड एरियाज वो एरियाज हैं जिनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा हुआ है एज शेड्यूल्ड एरियाज ठीक है जी वो अलग हैं लेकिन शेड्यूल सिक्स जो है ना शेड्यूल सिक्स को हमेशा याद रखो ये नॉर्थ ईस्ट से डील करता है शेड्यूल सिक्स जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट से ड... सॉरी डील करेगा नॉर्थ ईस्ट से कैसे डील करेगा ए एम टीएम स्टेट निमोने याद रख लो एम टी एम कौन कौन सी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम अब ए एम टी एम के चक्कर में इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मणिपुर यहाँ पे है देर इज नो मणिपुर हेयर मेरे एक स्टूडेंट था वो सर एम टीएम करता रहा याद कर लिया याद कर लिया पेपर में जाके मणिपुर टेक कराया बोले सर एम टीएमटीएम पता ही नहीं लगा कि मणिपुर भूली गई मणिपुर नहीं है मेघालय मिजोरम याद करना था ठीक है तो न्यूमोनिक्स को इतना सीरियसली मत लो कि तुम ओरिजिनल कंटेक्स भूल जाओ ठीक है तो एम टी एम में क्या है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम कौन सा नहीं है जी मणिपुर ये भी देखना जरूरी है चलिए जी उसके बाद शेड्यूल सेवन में क्या है डिविजन ऑफ पावर्स चलो ये देख लो यूनियन लिस्ट है सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स किस में यहाँ पे देखो जी हमारी यूनियन लिस्ट में उससे कम स्टेट में फिर आता है कर्कनाट में शेड्यूल एट भाषाएं ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस है और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश भोजपुरी

ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है तो नहीं नहीं है बिल्कुल नहीं है और दूसरी कौन सी लैंग्वेज वाइडली बोली जा रही है भोजपुरी भोजपुरी इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल एट याद रखनी है छोटी छोटी चीजें याद रखना है इनको चलो जी शेड्यूल नाइन फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था जवाहरलाल नेहरू साहब लेके आए थे यूपीएससी में पूछा हुआ है ये सवाल एज इट इज सवाल पूछा हुआ है कि नाइन शेड्यूल जब आया कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन से थे तो ये प्रधानमंत्री थे और अगर अब इसका प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं तो इसका क्यों नहीं पूछ सकते हैं? बताओ नहीं पूछ सकते इसका बिल्कुल पूछ सकते हैं कौन थे यहाँ पे हमारे राजीव गांधी साहब थे एंटी डिफेक्शन लॉ के टाइम पे राजीव गांधी साहब थे ठीक है जी चलो उसके बाद उसके बाद ये इनकी बात हो रही है उस अमेंडमेंट uh, हुआ उसके बाद इनकी बात करी गई ठीक है जी उसके बाद की हो तो होलोकोहान केस बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दीज थिंग्स ठीक है दोस्तों चलिए लास्ट हम आज का ये टॉपिक कर रहे हैं लास्ट जो आज का टॉपिक है शेड्यूल इलेवन और शेड्यूल ट्वेल्व की बात हो रही है ठीक है जी शेड्यूल इलेवन किससे डील करता है पी आर हम क्या देते हैं इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सॉरी 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 पी आर और इसको हम क्या देते हैं यू एल पी क्या होता है इसका मतलब अर्बन लोकल बॉडीज और उसका मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ठीक है दोस्तों अब एक चीज समझ के देखो अब इनके प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं ये नरसिम्हा राव साहब जो हैं उनके टाइम पे आया था ठीक है तो इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे चलो उसके बाद की करता गया है अंडर एक न्यू आर्टिकल जो है अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहा है टू आ, टू फोर्टी थ्री जी इस आर्टिकल के अंदर पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज ऑफ जो पंचायत है उसकी बात करी गई है कि पंचायत के पास क्या क्या होना चाहिए सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से आया है ट्वेंटी नाइन मैटर्स फंक्शनल मैटर्स हैं उनको डील करता है ठीक है जी चलो दोस्तों उसके बाद आगे हम बात कर देते हैं शेड्यूल ट्वेल्व स्पेसिफाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एडेड बाय सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटीज है किसकी कम है यहाँ पे इनकी फंक्शनैलिटीज कम है तो कंपेरिटिव एनालिसिस आ जाता है कि क्या रूरल एरियाज को ज्यादा हमने दिया है पावर्स या हमने इनको दिया है तो जवाब क्या होगा रूरल को रूरल एरियाज को ज्यादा फंक्शन दिए ठीक है दोस्तों चलिए तो यहीं पे विश्राम देते हैं ठीक है बाकी कल कंटिन्यू करेंगे प्रियांबल वाला पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट है कुछ भी है तो प्लीज है शूट इट इन द कमेंट्स पीडीएफ ओके ठीक है लेट मी टॉक टू सर है ना तो मैं यहाँ से बात करता हूँ सर से देन आई लेफ डेट यू ठीक है अबाउट द पी डी कौन से प्लेटफॉर्म पे देंगे कहाँ से आपको पहुंचाएंगे है ना तो मैं बात करके आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा ठीक है जी एनीथिंग एल्स एनीथिंग एल्स फिर क्लास हम खत्म करते हैं वाइंड अप करते हैं एनीथिंग एल्स कोई भी डाउट है एनी केस एनी कोई भी डाउट अभी तक के क्लास में है कुछ भी पूछना हो रिलेटिंग टू प्रेपरेशन रिलेटिंग टू योर तैयारी कुछ भी ये क्लासेस कब तक कंटिन्यू होंगी ये देखो टेन क्लासेस का मेरा शेड्यूल है जो की क्लासेस हैं ठीक है ठीके? और बाकी जो है फोर टू फाइव का मेरा स्लॉट है सुबह का एक स्लॉट है वो कोई और सर ले रहे हैं कोई और सब्जेक्ट चल रहा है ठीक है तो मेरी कोशिश क्या रहेगी इन टेन डेज में आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिटी क्लियर करवा दिया जाए जितना और हम क्या कर रहे हैं आप देखा होगा हम नॉर्मली बड़े फास्ट पेस से चल रहे हैं क्योंकि सीरीज है यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे कि आपको फाउंडेशन बैच करवा रहे हैं इट्स अ क्रैश कोर्स तो क्रैश कोर्स मूव फास्ट ठीक है तो हम यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहे हैं अभी तो इसी का रीजन है कि हम टेन डेज में हमारा ये रहेगा कि जो नेक्स्ट टेन डेज है आज की क्लास काउंट करो वन रिमेनिंग नाइन डेज में आपकी पॉलिटी को आपको रिवाइज करवा दिया जाए ठीक है जी ठीक है राठौर साहब सो दैट वॉज इट ठीक है जी और कुछ एनीथिंग एल्स सी सेट की प्रेपरेशन सी सैट चलो मैं तो नहीं पढ़ा रहा बट आई आई डेफिनेटली आस्क सर मेरे को पता नहीं है उसके बारे में ठीक है तो मैं बता दूंगा आपको जरूर ठीक है और कुछ मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ और हो तो जरूर पूछिए ठीक है थीके? चलो क्लास में अच्छा समझ आ गया अभी तक जितना करवाया है कुछ दिक्कत लगा कि सर पेस तेज चल रहा है या फिर कुछ और एडिशन कर सकते हैं एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड आप टाइप कर सकते हैं ठीक है एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड जो भी आपको लगता है कुछ भी फ़ीडबैक कि सर ऐसे हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो सकती है तो प्लीज़ आप ऐसे कर दीजिए यस सर ओके तो मतलब आए जूम सब ठीक चल रहा है है ना <laughs> चलो ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलो डन ओके 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 ठीक है जी बंद करते हैं हम ठीक है फाइनली सो so, कल इसी टाइम फोर टू फाइव हम अगेन मिलते हैं तब तक के लिए बब बाय और आज वाला रिवाइज कर लेना ठीक है जी थैंक यू सो मच बाय टेक केयर